बस्तर के बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवान शहीद और 4 जवान घायल हो गए हैं। इस दुखद घटना पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया। वहीं विजय शर्मा ने अपने समर्थकों से अपने जन्मदिन पर कोई उत्सव न मनाए जाने को लेकर अपील की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस दर्दनाक घटना से आहत होकर अपना जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय लेने के साथ अपने समर्थकों से कहा कि आज जब उनके भाई शहीद हुए हैं तब उनका मन आहत व व्यथित है। वे उनका जन्मदिन न मनाए और इस कठिन समय में शहीद जवानों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। नक्सलियों से लोहा लेते हुए हमारे दो साथी भरतलाल साहू जी और सत्येर सिंह जी, भरतलाल जी रायपुर के रहने वाले हैं सड्डू के, और सत्येर सिंह जी नारायणपुर के रहने वाले हैं। ये दो हमारे साथी कल तर्रेम बीजापुर के पास में एक आईडी ब्लास्ट से वो शहीद हो गए। और कल सुबह 9:45 बजे माना पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम है भरतलाल साहू जी का, और उसमें हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी भी रहेंगे, मैं भी उनके साथ रहूंगा। और उसके बाद वहां से उनका पार्थिव शरीर परिवार में जाएगा और वहां फिर अंतिम संस्कार होगा, तो मैं अंतिम संस्कार तक उनके साथ रहूंगा। इनके इस शहादत को, इनके इस बलिदान को हम सब नमन करते हैं। विशेष रूप से समाज की भलाई के लिए उन्होंने जितना बड़ा बलिदान दिया है इसके लिए उनका शत शत नमन है। पूरी सरकार, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता सब उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। उनके परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें, प्रार्थना ईश्वर से है। और इसी तारतम्य में एक और अपील आप सबसे करना चाहता हूं कि 19 जुलाई के दिन को हम सब मिलकर के आपस में मेल मुलाकात किया करते थे, बैठा करते थे, वो मेरे जन्मदिन का दिन है। परंतु अभी इस स्थिति में मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए और निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार के किसी उत्सव का कोई अवसर अभी है नहीं, और इसलिए इस 19 जुलाई को हम सब हमारे साथी जो शहीद हुए हैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ रहें, यही सबसे अच्छा है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इसको अवश्य आप पालन करें, इसकी प्रार्थना करता हूं आपसे।